राजेंद्र पार्क दुर्ग में बड़ी संख्या में मितानिनों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे मितानिनों के रायपुर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर रूपरेखा तैयार की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की मितानिनों का आंदोलन रायपुर में जारी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत मितानिनों की बैठक दुर्ग के राजेंद्र पार्क में संपन्न हुई। बैठक में शामिल होने दूर दराज के क्षेत्रों से दुर्ग में मितानिनें एकत्र हुई। यहां आपसी विचार विमर्श चर्चा के उपरांत पदाधिकारियों का चयन किया गया। साथ ही रायपुर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें पदाधिकारियों ने अपने सुझावों से अवगत कराया। बैठक को लेकर ब्लॉक समन्वयक और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के प्रदेश सलाहकार नारायण सिंह चंद्राकर और मितानिन कार्यक्रम की जिला अध्यक्ष दुर्गा चंद्राकर ने जानकारी दी। हम लोग यहाँ पे हुए हैं, अभी 1 तारीख समारोह अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के पूरा तालाब रायपुर में। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें मितानिनों को 75% की बजाय 100% अंशदान दिया जाए। उसमें MTBC, AC, एरिया कोऑर्डिनेटर, सारी पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। प्लस जो अपने घोषणा चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है, मितानिनों को 3,000 इंसेंटिव की बजाय हम 5,000 रुपये उसको कमीशन के तौर पर अलग से देंगे। जबकि मितानिन को कमीशन शब्द कहीं पे नहीं आता, ये जनप्रतिनिधियों की भाषा ही गलत है। कमीशन नहीं होता, हम कमीशन खोर नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ और अन्य मुद्दा हैं, वो शासन का है। अगर मितानिन परिवार से किसी को कुछ होता है, अचानक हादसा, एक्सीडेंट वगैरह, मारे गया, कुछ हो गया, तो उसके जगह उसके परिवार को उसकी जगह नियुक्ति किया जाए। ये 3-4 चीज़ें प्रमुख रूप से हमारी मांगे हैं, जिसको लेके हम लोग बैठे हैं। और कोरोना काल में हमारी मितानिन ने, जब सारी दुनिया अपने घर में सो रहे थे, हमारी मितानिन घर घर घूम घूम के दवाइयाँ बांटी और आज कोरोना को मात दी है, ठीक। उसका भी इंसेंटिव इन लोग छत्तीसगढ़ शासन 1,000 रुपये देंगे बोले थे 3 माह तक के, वो भी पैसा अभी तक तो उपलब्ध नहीं है, कृपया वो भी पैसा दिलवाएँ। और ये जो हमारी घोषणा पत्र हम वादा किए हैं, वो तो कंपलसरी करें और 100%, ये 3 चीज़ हमारी मांगे हैं। इसके लिए आगे किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई? उसके लिए अब यही रूपरेखा ही तैयार कर रहे हैं। अगर शासन नहीं मानता है, अभी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, नहीं मानेगा तो हमारा अगला उग्र रूप धारण करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के 70,000 मितानिन हमारे, प्लस 20,000 में MTBCSC है, कुल मिलाकर 80,000 की हमारी टीम है। जो इतनी बड़ी टीम अभी तक छत्तीसगढ़ शासन में कहीं पर भी नहीं है। हम लोग CM हाउस भी गए थे मिलने के लिए, तो हर जगह से प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए, टाइम मांग रहे हैं, तो मिलना नहीं चाह रहे हैं हम लोगों से CM। आज तो जिला के राज्य स्तरीय पदाधिकारी का चयन किए हैं और अभी आंदोलन को और कैसे, मतलब हम लोग आगे जारी रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा किए। और अभी तो हम लोग आंदोलन में बैठ रहे हैं वहाँ पर धरना स्थल में रायपुर में, और आगे अगर शासन हमारी बातों को नहीं मानती, ध्यान नहीं देते। बहरहाल बैठक में बड़ी संख्या में मितानिनें शामिल हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।